वेलकम। आई एम डॉक्टर गौरव मंगला, वासु आई इंस्टीट्यूट बठिंडा में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे शुगर से होने वाली आंखों की पर्दे की बीमारी, जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। ये आपके लिए जानना इसलिए जरूरी है कि अगर आप डायबिटिक शुगर के पेशेंट हैं और अगर इसका असर है और टाइम से इलाज नहीं कराया गया है, तो ये बीमारी अक्सर आपकी आंखों की रोशनी को काफी कम कर सकती है। पहले मैं आपको थोड़ा सा आंख अपनी कैसे काम करती है उसके बारे में समझाना चाहूंगा। आंख अपने इस तरह से बनी होती है, सबसे आगे आंख के आगे जिसको कॉर्निया काली पुतली भी कहते हैं, पीछे ये लेंस, उसके पीछे ये पर्दा, उससे एक नस अटैच होती है जिसको हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं, जो पीछे जाके ब्रेन से कनेक्ट रहती है। हमारी आंखों की जो भी रोशनी है लाइट, वो कॉर्निया काली पुतली लेंस के होते हुए पीछे पर्दे पर इमेज बनाती है, जैसे किसी कैमरे पे रील, और उसकी इमेज फिर ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे दिमाग तक जाती है। बेसिकली डायबिटीज शुगर में होता क्या है, जब नाड़ियों में, नसों में शुगर का लेवल ज्यादा होने लगता है, तो वो शुगर नसों को असर करती है, उनको डैमेज करती है। और डायबिटिक रेटिनोपैथी बेसिकली दो तरीके से हो सकती है, या तो वो आंख के अंदर की नस को लीकेज कर सकती है, लीक मतलब छलनी की तरह, उससे आंख के पर्दे में पानी और चर्बी इकट्ठा होके सोजिश मतलब स्वेलिंग आ सकती है, या दूसरा तरीका नसें जो है वो ब्लॉक हो सकती है, ब्लॉक मतलब उनका फ्लो बंद हो जाए। फ्लो बंद होने से क्या होता है कि बॉडी को, आंखों को एक मैसेज जाता है कि पर्दे में ऑक्सीजन की कमी है, और उसके बाद एक तरह का पदार्थ आंखों में निकलता है अंदर, जिसको हम BEGF कहते हैं। उस पदार्थ से फिर एक नसों को स्टिमुलस बनता है कि ऑक्सीजन की कमी है, जिसकी वजह से आंखों में छोटी छोटी नई नाड़ियां बनने लगती हैं। तो वो जो नाड़ियां बनती हैं वो नॉर्मल नहीं होती, वो लीक करने लगती है, जिससे कई बार लीकेज की वजह से जो ये बीच में जेल होता है, इसमें ब्लड उतरने की संभावना रहती है। तो बेसिकली इसका ट्रीटमेंट में सबसे पहले इम्पोर्टेंट इज प्रिवेंशन की ये बीमारी हमें ना हो या ये कंट्रोल में रहे। सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जब भी आपको डायग्नोज हो डायबिटीज, अच्छे डायबिटिक डॉक्टर को दिखा के अपना शुगर लेवल मेंटेन रखें, खाने पीने का ध्यान रखें, हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रखें। जितना अच्छा आपका कंट्रोल लेवल होगा, उतना आप इस बीमारी से बचे रह सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज ट्रीटमेंट। अगर आपको शुगर की बीमारी है तो सबसे पहले आप एक बार आंखों का चेकअप जरूर कराएं, और उसके अकॉर्डिंगली जो आपके आंखों के डॉक्टर रेटिना सर्जन हैं, वो आपको गाइड करेंगे कि आपने आंख के पर्दे में डायबिटिक रेटिनोपैथी मतलब शुगर का असर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो वो आपको गाइड करेंगे कि आपको 6 महीने बाद या साल बाद जो भी आपको फॉलोअप मतलब दोबारा आंखों का चेकअप कराने की जरूरत है कि नहीं है। लेकिन अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी है तो वो भी आपको अकॉर्डिंगली गाइड करेंगे कि आगे हमें इलाज किस तरह करना है। इलाज ऐसे होता है कि पहले जो चेकअप, जो आंखों का चेकअप होता है, वो डायलेटेड फंडस एग्जामिनेशन बोलते हैं, उसमें आंखों में डायलेटेड ड्रॉप्स डाल के पुतलियों को फैला के अंदर डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी से पर्दे की जांच की जाती है। और उसके बाद अगर चेंजेस लगते हैं कि डायबिटिक रेटिनोपैथी शुरू हो गई है, तो आगे आपके डॉक्टर फर्दर टेस्ट रिकमेंड करते हैं डिपेंडिंग ऑन सीवियरिटी। जैसे कि एक टेस्ट होता है OCT, ऑप्टिकल कोहरेंस टोमोग्राफी। ये एक तरह का पर्दे का CT स्कैन है, जिससे आप आंखों की 10 लेयर के बारे में स्टडी कर सकते हैं। दूसरा टेस्ट होता है एंजियोग्राफी, उस फंडस फ्लोरोसिन एंजियोग्राफी FFA। उसमें क्या करते हैं, हाथ में की नस में इंजेक्शन लगा के वो एक डाई इंजेक्ट की जाती है, वो डाई हाथ के थ्रू आपके आंखों में जाके, और उसके बाद
पर्दे के फोटोग्राफ जैसे एक्सरे होते हैं उस तरह के फोटो निकाले जाते हैं, उससे आंख में शुगर का, डायबिटीज का कितना असर है उसका आइडिया लगता है। ये तो है टेस्ट वाला पार्ट। आपके जैसे टेस्ट की रिपोर्ट आती है उस हिसाब से जो है आपको फर्दर जो आपके डॉक्टर है इलाज का गाइड करेंगे। इलाज अर्ली स्टेज में शुगर कंट्रोल, डायलेटेड फंडस एग्जामिनेशन मतलब आंखों की पुतली फैला के पर्दे का चेकअप करना, जरूरत पड़ने पर ओसीटी या एंजियोग्राफी करना, उसके बाद आपके आंखों के डॉक्टर आपको गाइड करेंगे कि आपका जो डायबिटिक रेटिनोपैथी का लेवल है वो किस स्टेज पे है, ग्रेड किस ग्रेड पे है। डिपेंडिंग ऑन द ग्रेड आपका जो ट्रीटमेंट है अर्ली स्टेज में शुगर कंट्रोल प्लस सम ड्रॉप से पॉसिबल है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन सेवरिटी अगर पर्दे में सोजिश ज्यादा है या ब्लड ज्यादा है तो आंखों में आजकल इंजेक्शन आते हैं जो तो आंख के अंदर लगते हैं, जैसे कि जिनका नाम एवास्टिन या लुसेंटिस या आइलिया है, और कभी कभी आपके डॉक्टर आंखों में स्टेरॉयड का इंजेक्शन भी यूज कर सकते हैं। थोड़ी सी और एडवांस स्टेज होने पर जैसे कि लीकेज ज्यादा है उसमें हम ग्रीन लेजर बोलते हैं, जो लेजर करके जो लीकेज वाले वेसल्स हैं उनको एक तरह से लेजर करके बंद किया जा सकता है। और कई बार एडवांस स्टेज में, एडवांस स्टेज मतलब जैसे आपके जेल में ब्लड उतर आए या पर्दे के ऊपर खून जम जाए और पर्दा उखड़ जाए जिसको हम रेटिनल डिटैचमेंट भी कहते हैं, तो इस स्टेज में कई बार हमें पर्दे के ऑपरेशन की भी जरूरत पड़ती है। तो अंत में मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आप डायबिटिक शुगर के पेशेंट्स हैं तो डायबिटिक लेवल आप हमेशा प्रॉपर रखिए और टाइम टाइम से अपने आंखों की पर्दे की जांच कराते रहिए। धन्यवाद।